हेलो गाइस, दिस इज सोनू मिर्जापुर की ब्लॉग। आप लोग देखते हैं, ये कलवारी की धरती है। कलवारी ये मिर्जापुर में पड़ता है। करीब 25 होंगे, 25 लड़के करीब, 34 लड़के हैं। 34 लड़के में 3 लोगों का ही मान्य होगा। देखते हैं कौन आगे जाते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये है सारे प्रतिभागी जो अभी दौड़ेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ही टाइम में। आपका नाम क्या पड़ेगा सर? रेसर असलम खान, ओलंपियन। जी असलम सर, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितने प्रतिभागी हर साल प्रतिभाग करते हैं? यहाँ पर लगभग 40 से 50 प्रतिभागी हर वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर को मोदी मैराथन का भी आयोजन किया जाता है। इसमें काफ़ी बच्चे जो है कि प्रतिभाग करके प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को इनाम और प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है। फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड प्राइज क्या रहता है यहाँ पे? फर्स्ट सेकेंड और थर्ड प्राइज वालों का जो पहचान है, किट दे करके उनको सम्मानित किया जाता है। किट और शील्ड से सम्मानित किया जाता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विगत वर्षों की बात, इस वर्ष भी हम सभी आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग 17 सितंबर सन 2022 को कलवारी चौराहे पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जन्मदिन मनाने के साथ ही साथ हम लोग यहां पर मोदी मैराथन का भी आयोजन करते हैं, जिसमें लगभग 40 से 50 प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे। और अभी हम लोग जन्मदिन मनाने के तुरंत बाद रेस प्रारंभ करेंगे। तो ऐसे में हम चाहेंगे आज के हम सभी के बीच में अतिथि के रूप में जो उपस्थित हुए हैं, हम चाहेंगे हम सभी के बीच में बड़े भाई अजय सिंह पटेल जी उपस्थित हैं और नीतीश भाई पटेल जी उपस्थित हैं, हमारे पत्रकार बंधु श्याम केसरी जी उपस्थित हैं और विश्वकर्मा जी उपस्थित हैं, बड़े भाई पंकज राज जी उपस्थित हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग क्रमबाई से आएं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित और माथे पर टीका लगाने का कार्य करें सभी अतिथिगण। हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आप आए प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने का कार्य करें भाई पंकज राज जी। जिस भी प्रतिभागी का नामांकन नहीं हुआ, 1 मिनट के अंदर आप नामांकन करा लें, हमारा रेस छूट करने का कार्य करें भाई अजय केसरी जी। आलोक मौर्य जी हैं, आप लोग भी चले आकर के पुष्प अर्पित करने का कार्य करें, कबड्डी टीम के खिलाड़ी। पुष्प अर्पित करने का कार्य करें बालजीत सर जी। भारत माता की। सभी लड़कों को निकालेंगे यहाँ से। आप देख सकते हैं, ये कलवारी की धरती है। कलवारी ये मिर्जापुर में पड़ता है। करीब 25 होंगे, 25 लड़के, 34 लड़के हैं। 34 लड़के में 3 लोगों का ही मान्य होगा। देखते हैं कौन आगे जाते हैं, आपको दिखाता हूँ। मोदी मैराथन जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी मैराथन जिंदाबाद, जिंदाबाद।
दौड़ रहे हैं और मुझे बाइक पर बैग नहीं बैठ के करना पड़ रहा है क्योंकि सारे आगे हैं पीछे हैं बीचों बीच दिखाने पड़ रहे हैं आपको। तो मैंने 34 लड़के थे और इस समय करीब 4-5 लड़के आगे आ चुके हैं। मैं आगे दिखाने की कोशिश करूँगा कि कितने लड़के आगे जा रहे हैं कितने लड़के पीछे हैं। पीछे लड़के तो काफ़ी हो गए हैं, 30 लड़के करीब पीछे हो चुके हैं। तो ये हैं कुछ दौड़ने वाले प्रतिभागी थे, काफ़ी भीड़ लगी हुई है, देखते हैं कौन है, कौन वो चेहरा है। भाई यही जानने के लिए आप लोग खड़े हैं, आप लोग गए थे वहाँ पे देखने के लिए, पहुँचे थे सारे बंदे यहाँ पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं विगत वर्षों की बात, इस वर्ष भी 17 सितंबर सन 2022 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस मनाया गया और उसके उपलक्ष्य में आज मोदी मैराथन का भी आयोजन किया गया। जो मोदी मैराथन दौड़, यह दौड़ प्रतियोगिता लगभग 3 किलोमीटर का था जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी निम्नवत है। सूरज कुमार जो कि 3 किलोमीटर की दूरी 9 मिनट 53 सेकंड में प्राप्त किए हैं और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं विराज कुमार, आप ममरी से आए हुए हैं, और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं रोशन यादव जो जनपद चंदौली से आकर यहीं पर रहते हैं, और चौथा स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं विकास कुमार, आप मरिहान क्षेत्र से हैं। तो ऐसे में हम चाहेंगे हमारे अतिथि के रूप में आप पूर्व एम्प्लॉयमेंट अफसर आप हैं दयाराम सिंह पटेल जी, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप आए और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी सूरज कुमार को उनका पुरस्कार दे करके सम्मानित करें, हमारे मुख्य अतिथि दयाराम सिंह पटेल जी। और इस रेस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले हम सभी के बीच में उपस्थित हैं विराज कुमार जी। और इनाम वितरण की अगली कड़ी में हम सभी के बीच में इस दौड़ प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं रोशन यादव जी, एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग इनका स्वागत करेंगे। रोशन यादव जी जो जनपद चंदौली से आए हुए रूप में हम सभी के बीच में उपस्थित हैं, भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष बड़े भाई पंकज राज जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा आप आए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को प्रमाण पत्र व मेडल देकर के सम्मानित करें, भाई पंकज राज जी। स्थान प्राप्त किए हैं भाई विकास कुमार जी, ग्राम पंचायत कलवारी खुर्द से कबड्डी के सीनियर खिलाड़ी, और साथ ही साथ हम अपने बड़े भाई बबलू जी को भी आवाज़ देना चाहूँगा, आप दोनों लोग आकर के चौथे स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को इनाम वितरण करें। भाई बबलू जी खेल का होता है तो उसमें बड़े भाई बबलू जी आप काफ़ी सहयोग करते हैं, दिन से लेकर के शाम तक कोई भी कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता अनिवार्य रूप से रहती है। बच्चों का फल का भी व्यवस्था है, हमारे सोनू केसरी भाई हैं जो कि फल का व्यवस्था भी किए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप विवेक सिंह पटेल जी भी हैं सीनियर कबड्डी के खिलाड़ी हैं, आप भी कबड्डी का अच्छा रीडिंग करते हैं, आलोक मौर्या जी उपस्थित हैं साथ में, आप लोगों को ये शील्ड पाकर कितना खुशी हो रही है अपना जाहिर कीजिए खुशी को। सर बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। ये 3 किलोमीटर की रेस करने में आप लोग को क्या, बाइक वगैरह आसपास में मंडरा रहे थे, कुछ दिक्कत हो रही थी आप लोगों को, नहीं बताइए? सर नहीं दिक्कत नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी। नहीं सर, सच में कहा जाता है कि जो लोग अपने उद्देश्य के साथ खड़े रहते हैं उनके सामने कोई भी कठिनाइयां आए उसे पार करके अपने अंत तक पहुंचते हैं जहां उनको पहुंचना रहता है। तो अपने टारगेट पे क्रॉस करके ये पहले दूसरे तीसरे नंबर के विजेता हैं और चौथे नंबर के, बहुत ही अच्छा लगा मिलके आप लोगों से। तो ऐसे ही शुभकामना हमेशा बनी रहेगी, आप हमेशा जाइए अपने ज़िले का नाम रोशन कीजिए, और हमारे असलम सर जो कि हमेशा हर साल यहाँ पर प्रतियोगिता कराते हैं, इनकी बहुत बड़ी योगदान रहती है यहाँ पर।